गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किसानों की काफ़ी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। इससे चिंतित केंद्र सरकार आने वाले बजट में किसानों के लिए किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि मॉडल के तौर पर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना को लागू किया जा सकता है। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं गो न्यूज़ संवाददाता रमन ममगई। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ी। सौराष्ट्र का पूरा इलाका जो कपास की खेती करता है, जो मूंगफली की खेती करता है, उसके किसान नाराज थे। उन्हें जो मूल्य था उनकी फसल का, वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया। और सिर्फ ही गुजरात के किसानों की बात नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ सब जगह के किसान फसल का सही मूल्य न मिलने से परेशान है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को गंभीरतापूर्वक लेने की सोच रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले बजट में किसानों को लेकर किसी बड़ी योजना का ऐलान किया जा सकता है और मॉडल के तौर पर मध्य प्रदेश में चलने वाली मुख्यमंत्री भावांतर योजना भुगतान योजना का को एक मॉडल के तौर पर लिया जा सकता है और पूरे देश में लागू किया जा सकता है। यानी अगर फसल की कीमत कम होती है, मंडी में फसल की कीमत कम होती है, तो एक निश्चित जो कीमत है वो सरकार किसानों को दे सकती है। बेस प्राइस जो भी होगा फसल का, उसके हिसाब से अगर जो भी बीज का फर्क होगा उसे सरकार दे सकती है किसानों को। और इसके लिए सीधा किसानों के खातों को इस योजना से जोड़ा जाएगा ताकि पैसा सीधा किसानों के खाते में आए। क्योंकि मध्य प्रदेश में चलने वाली भावांतर योजना में भी कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें कि व्यापारियों ने, बड़े व्यापारियों ने किसानों के नाम से पंजीकरण करवा लिया। रफीक के साथ रमन उमगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।